तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारी लैग चली गई है, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखिए ऑलरेडी लाइट इंडिकेटर भी बने, लाइट नहीं है फिर भी आप देखिए ये सिस्टम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे फेज में भी फेज पर ये सिस्टम हमारा ग्लो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ये फेज साइड में ग्लो हो रहा है। अभी हम न्यूट्रल में डाल के चेक करेंगे तो ये न्यूट्रल में भी ग्लो हो रहा है। यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा, फिर भी मैं आपको और स्विच बोर्ड वहाँ पर बता देता हूँ। तो ये दूसरा स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे भी देख लेगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा। फिर स्विच ऑन किया तो ये देखिए फेज में तो फेज बता रहा है और लाइट नहीं है, और फिर ये हमने न्यूट्रल में भी लगाया था। देखिए न्यूट्रल में भी हमारा इस तरह से देख सकते हैं फेज आ रहा है और ये फेज में भी फेज आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया कि जो इसका रीज़न है क्यों ऐसा होता है कि न्यूट्रल में भी फेज आ रहा है फेज में भी हमारा फेज आ रहा है, जबकि लाइट चली गई है वो भी हमारा ये देखिए यहाँ पर वर्क नहीं करिए, कोई भी पंखा या जो हमारे पंखा यहाँ पे वो भी वर्क नहीं करे, कोई भी ट्यूबलाइट वर्क नहीं करे। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इसकी जो मेन चीज़ हमें इसकी पहले लाइन पता करनी पड़ेगी। तो जो इसकी लाइन है आइए देखो, तो इसकी जो लाइन है यहाँ तक आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, ये लाइन आपको यहाँ पे ओके है, ठीक है, मगर सप्लाई नहीं आ रही। इसकी जो मेन लाइन है उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इसकी मेन लाइन, तो अभी यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, तो जो इसकी मेन लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसकी पूरी मेन लाइन है। तो यहाँ पे हम पूरा चेक करेंगे। तो जो जैसे मैंने आपको समझा, जो उसकी मेन लाइन थी वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा डीबी है ये यहाँ पे आ रही है, जिसको भी मैंने अभी बर्न कर दिया। अभी ये आपको यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैंने सप्लाई को बंद कर दिया। अभी इसके अंदर देखिए फेज़ को डायरेक्ट किया है। अभी जैसे मैंने आपको समझा, जो फोल्ड है वो न्यूट्रल ब्रेक होने की वजह से आता है। तो यहाँ पर जो फ्यूज़ है उसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो फ्यूज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फ्यूज़ जो है ऑलरेडी, ये देखिए न्यूट्रल साइड का जो ये जल गया है, उसकी वजह से हमारा न्यूट्रल में भी फेज़ आया। तो जो जितने भी मोस्टली जो प्रॉब्लम होते हैं न्यूट्रल, अगर आपने बोर्ड में चेक करेंगे टेस्ट, अगर न्यूट्रल में भी फेज़ आया तो इसका रीज़न यही होता है कि न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है, या फिर इसका इंसुलेशन छिल जाता है, या कोई लीकेज हो जाता है न्यूट्रल में, उसकी वजह से न्यूट्रल में भी फेज़ आता है और आपका जो भी पंखा ट्यूबलाइट जो भी है वो वर्क नहीं करता है। तो अभी हम इसको फ्यूज़ वगैरह को बांध देंगे तो आपका ये जो सप्लाई वो आ जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम है न्यूट्रल अंदर फेज़ आ रहा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम फ्यूज़ वर्क बांध के लगाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं बोर्ड में लाइट आ चुकी है। तो और ये हम स्विच को ऑन करें तो हमारी ये ट्यूबलाइट भी ग्लो हो रही है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर इस तरह से अगर न्यूट्रल में भी फेज़ आ रहा है तो आपको पहले जो फ्यूज़ जो भी आपकी लाइन होगी उसको चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर फ्यूज़ है जो भी आपकी लगी होगी वायर लगे उसको ठीक से चेक कर लीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।